फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो बहुत दिन से आप लोग को इंतजार करा रहे थे कि हम लोग छपाक वाटर पार्क जाने वाले हैं। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि आज हम लोग छपाक वाटर पार्क जाने वाले हैं, और जो पास का जुगाड़ किया है वो ऋतुराज पटेल भाई किया है। तो फिलहाल में वाटर पार्क चलते हैं, और आज ऐसा है कि भाई बहुत लोग साथ में जाने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो जो आप पूरे वाटर पार्क में देखा होगा उससे अलग वीडियो रहने वाला है, क्योंकि भाई जितना लोग जा रहे हैं बहुत मज़ा आने वाला है। और आज फिर से हम नया बाइक लेके निकले थे, क्योंकि ऐसा है कि भाई ऐसे कैसे गाड़ी रोक देता है भाई। तो ऐसा है कि गाड़ी का थोड़ा सा ब्रेक है जो पिछला बहुत कम लग रहा है, मतलब एक्सिस लग रहा है, तो इसके लिए आज गाड़ी को भी दिखाना है। लेकिन उससे पहले आप लोग को नहाना है, उसके बाद आप लोग को पूरा नहाने का जो सीन होता है पूरा इन्जॉय करते हुए। और ये छपाक वाटर पार्क है जो ये पूरा बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, और सबसे अच्छा वाटर पार्क इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो, और बहुत मज़ेदार पार्क है। अभी क्या चीज़ टिकट का प्राइस है, क्या चीज़ है वो है मैं आप लोगों को सब बताता हूँ, और पूरा वीडियो इन्जॉय कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं वाटर पार्क के पास ही, और जो लोग हैं वो सबसे मिलाते भी हैं आप लोगों को। इधर छपाक वाटर पार्क जो ये पूरा बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, और देख सकते हो इधर फैसिलिटी। तो देखते हैं कौन कौन लोग आए हैं जो, क्योंकि हमारे साथ तो अभी आए थे अभिषेक भैया और टुल्लू भैया, पीछे आशीष बैठा हुआ है, और आनंद भैया, सोनू भैया एंड टोनू आने वाला है, और साथ में आज निशांत भैया भी आने वाले हैं। तो चलिए देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ छपाक वाटर पार्क, और इसमें ऐसा है कि हम पहली बार छपाक वाटर पार्क जाने वाले हैं, तो देखिए भाई क्या क्या चीज़ फैसिलिटी है नहीं है। तो सामने में आप लोग को दो लोग गार्ड मिल जाएंगे पहले तो। गाड़ी के नंबर उम्र के साथ, हाँ जी। तो पहले दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अभी अंदर छपाक के अंदर, और फिलहाल में अभी टिकट कटाते हैं। और यहाँ पर पार्किंग का ऐसा है कि टू व्हीलर का 20 रुपया और फोर व्हीलर का 40 रुपया पार्किंग का है, और ये पूरा देख सकते हैं ये बड़ा सा पार्किंग है। और इधर है टिकट जोन, तो सामने देख सकते हैं कि कुछ ऐसा टिकट प्राइस है। संडे टू सैटरडे हॉलीडे में 700 पर हेड एडल्ट और 500 चिल्ड्रन का, और मंडे टू फ्राइडे 600 पर हेड एडल्ट और 400 रुपया चिल्ड्रन का। और ऐसा देख सकते हैं लिखा हुआ पूरा हमारा, और ये पूरा टिकट काउंटर है, और इधर गार्ड साहब जो निगरानी करते रहते हैं, और पूरा व्यू देख सकते हैं। तो फिलहाल में अंदर चलते हैं, और जो भी कुछ होता है जो आप लोग को दिखाते भी हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग अभी अंदर आ गए हैं, और भाई कुछ कुछ झमेला के साथ अंदर आए। ये पूरा रहा वाटर पार्क, और इधर से रहा लॉकर का और बिलिंग कस्ट्यूम का, जो आप 100 रुपया जमा करके जिसमें 50 रुपया आपको मिल जाएगा कस्ट्यूम ले सकते हैं, और ये पूरा वाटर पार्क रहा। तो फिलहाल में हम लोग चलते हैं कपड़ा लेने, और कपड़ा लेने के बाद पूरा कपड़ा चेंज करने के बाद आप लोग को मिलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुराने पुराने स्कूटर के रूप में रखा हुआ है, जहाँ पर आप सेल्फी भी ले सकते हैं। इधर रहा पूरा कस्ट्यूम का, यहाँ से आप लोग को कस्ट्यूम मिल जाएगा, और पूरा देख सकते हैं। और बगल में ही रहा लॉकर, तो ये पूरा पार्क में दो लॉकर का सुविधा है, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा लॉकर का जो 200 रुपया और ऐसे 100 रुपया, और आने पर आपको पैसा कुछ वापस मिल जाएगा, रिफंडेबल रहेगा। तो पूरा व्यू देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि इतना लोग आए थे। ये पूरा अब जल्दी कस्ट्यूम चेंज करके आप लोग को पूरा इंजॉय करने के लिए लेके चलते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से लॉकर रखा हुआ है, तो हम लोग लॉकर में कपड़ा रख दिया, और साथ में यहाँ पर शूज एंड हेलमेट काउंटर है जिसका प्राइस 10 रुपया है। यहाँ पर आप हेलमेट और शूज भी 10 रुपये देकर आप रख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग वाटर पार्क क्लीन कर लिए हैं, और सारा कस्ट्यूम भी चेंज हो गया। इधर है पूरा भाई लोग, और यहाँ का खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा वाटर पार्क है जो। तो चलते हैं इंजॉय करते हैं।
तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग ने इंजॉय किया था पूरे तरह से स्लाइडर का। और ये जो स्लाइडर देख रहे हैं आप, ये पूरे बिहार का सबसे ऊंचे स्लाइडर जो बम 118 फीट ऊपर बना हुआ है। तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई, आप लोग भी आओ इस गर्मी में इंजॉय करो। और भाई देख रहे हो कितने साफ और क्लियर पानी है जो, और बीच में ये नाव वाला जो गुब्बारे हैं उसमें बैठने का आनंद ही कुछ अलग है। तो आप लोग भी आओ और इन्जॉय करो छपाक वाटर पार्क। और इसका लोकेशन की बात करें तो बख्तियारपुर पटना का जो फोर लाइन है उसके ही बगल में आप आके इंजॉय कर सकते हो बंका घाट के पास। तो ये सामने हमारा रहा स्पेल्स आइसलैंड, जो देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा लोग तो बच्चा लोग ही इंजॉय करते हैं। तो फिलहाल में निशांत के बच्चे ही हैं क्योंकि उनको तो बड़ा में जाने में डर रहता है, उनका कंपनी हम दे रहे हैं। तो ये देखो भाई, फाइनली दोस्तों हमारे पूछे रहा पूरा वाटर पार्क और ये रहा यहाँ का बे पुल। तो अभी तो बे पुल चालू नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोग मस्ती करने आ गए हैं क्योंकि निशान से कैसा है कि जो सबसे ऊंचा वाला है उसमें जाने में उनको थोड़ी सी फट रही है तो उसमें गए नहीं। अच्छा है, बड़ा है और बहुत ही यहाँ का सबसे अच्छा सुविधा हुआ है। देखिए गाइस, आए थे वाटर पार्क नहाने, यहाँ मूत के जा रहे हैं। 300 रुपए दिए गाइस, 300 रुपया मूतने का, 300 रुपया दिए थे गाइस। इधर अभिषेक भैया है और ये टुल्लू भैया। अभिषेक भैया कैसा मजा आ रहा है? टुल्लू भैया पैसा वसूल है ना। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी विजय का मजा ले रहे थे और बहुत ही जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे आप लोग आ रहे हैं और इसका मजा लीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, तो आप लोग भी आइए। अब फिलहाल मैं भी हम लोग जा रहे हैं बेपुल का मजा करने और पीछे एलेक्स, इधर आशीष, टोनू, टोनू मजा आ रहा है ना? तो देख सकते हैं इधर गार्ड सर गुस्सा भी रहे हैं तो उनका गुस्साना काम है, गुस्साने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद भैया कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। अच्छा बहुत खराब लग रहा है भैया को। तो फिलहाल में अभी बेपुल का मजा करने चलते हैं। Please take care of your kids.
लगभग ने पूरा यहाँ एक्टिविटी किया और भाई बहुत मज़ा भी आया। बहुत अच्छा वाटर पार्क है, बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ का नियम है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा भाई। क्योंकि ऐसा है कि आप कैमरा लेके जाते हैं तो कैमरा यूज नहीं कर सकते हैं, कहीं सब वीडियो फोटो ज़्यादा से निकाल नहीं सकते भाई। बस ये इन्जॉय करने के लिए था, लेकिन अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए था। तो फाइनली फैमिली लोग पहुँचा अभी रेंडास के पास और यहाँ का एंजॉयमेंट देख सकते हैं। पहले का हम लोग ने पूरा वाटर पार्क इन्जॉय किया और आप लोग को वाटर पार्क का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। और जाते हैं बाहर से कुछ ड्रोन शॉट निकालते हैं, क्योंकि बिना ड्रोन शॉट के बाहर बिना एरियल शॉट का कुछ पॉसिबल नहीं है। और आप लोग को भाई मिस्टर 360 शॉट अच्छा लगा होगा, कुछ कम ही लिया भाई, क्योंकि यहाँ का कुछ सिक्योरिटी जोन बहुत ज़्यादा ही खास था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टा 360 लग जाओ उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा था इन लोगों को। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वाटर पार्क जाते हैं उसमें और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।